हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास एट इंग्लिश ग्रामर डिटरमिनर्स। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास एट का जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है डिटरमिनर्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द यूज ऑफ ए, और हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर यूज ऑफ ए यानी ए का जो प्रयोग है वो कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ एन, और आज की हमारी इस वीडियो में हम यूज ऑफ एन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो था, उसके अंदर ए का जो यूज था वो कंप्लीट किया था। तो एक बार रिवाइज कर दूं आपको वो चीजें कि जो ए है, ए और एन दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं, यानी ए और एन दोनों का यूज इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर किया जाता है। तो हमने जैसा पहला पढ़ा था यानी ए का यूज पढ़ा था, तो जो ए का यूज है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी एकवचन गण्य संज्ञाओं से पहले किया जाता है। और कब किया जाता है, तो बेसिकली जो यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर उसके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तो उसमें आर्टिकल यूज किया जाता है ए का। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी वर्ड का या नाउन का उच्चारण करने के बाद में उसका जो फर्स्ट लेटर आता है उस फर्स्ट लेटर के बेस पे आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी एकवचन गण्य संज्ञाओं से पहले किया जाता है। अब इनका साउंड के बेस पे यूज किया जाएगा। जैसे दोनों का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है, लेकिन किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यानी पहले अक्षर की ध्वनि यदि कॉन्सोनेंट की आती है तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। और यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वाउल का आता है तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो ये चीजें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ए का जो यूज किया हमने कंप्लीट किया था उसमें पढ़ा था। आज हम जो यूज ऑफ एन है उसको कंप्लीट करने, यानी इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ ए अप टू हियर, और हमने हमारे पिछले वीडियो में जो ए का यूज पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हमने सॉल्व किए थे। एंड इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू फर्दर, और आज की वीडियो में हम इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अब आगे है, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विथ वोवल साउंड नो मैटर वेदर दे आर फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल और ए कॉन्सोनेंट। तो ए मीन्स एन, सॉरी एन मीन्स एन का इज यूज यानी प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, वर्ड्स यानी शब्दों के, विच मीन्स जो कि, बिगिन मीन्स शुरू होते हैं, विद वॉवल साउंड यानी स्वर की ध्वनि से शुरू होते हैं, यानी एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कि वाउल साउंड से शुरू होते हैं। यानी एन का यूज उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल साउंड आता है, यानी स्वर की ध्वनि आती है, तो उससे पहले एन का यूज किया जाता है। अब आगे इसमें दिया नो मैटर वेदर, यानी नो मैटर वेदर का मतलब होता है कोई बात नहीं, दे आर फर्स्ट लेटर यानी उनका पहला अक्षर इज मीन्स है, ए मीन्स एक, वाउल यानी स्वर, और या ए कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन। तो इसमें कहने का मतलब है कि एन का जो यूज है वो उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका फर्स्ट जो प्रारंभिक ध्वनि यानी शुरुआती जो ध्वनि आती है फर्स्ट लेटर की वो वोवल साउंड की आती है यानी स्वर की आती हो। और इसमें कोई बात नहीं यदि उसके फर्स्ट लेटर, उसका फर्स्ट लेटर एक वोवल दिया हो या कॉन्सोनेंट, यानी फर्स्ट लेटर चाहे वोवल दिया हो चाहे कॉन्सोनेंट दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। उच्चारण करने के बाद में फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल का आता है
तो उसके आधार पे आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे देख पा रहे हैं आप ईजी का मतलब एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए यहां पे नीचे, जैसे एन एप्पल। अब एन एप्पल में क्या है, अब इसको आप लिख के देखें एक बार। अब हम इसको विद एग्जाम्पल रिटर्न में सॉल्व करेंगे। जैसे एन एप्पल, जैसे आया एप्पल ए डबल पी एल ई, ये एप्पल दिया हुआ है। अब यहां पे इससे बात से कोई मतलब नहीं है कि यहां पे वोवल दिया हो चाहे कॉन्सोनेंट दिया हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बात यह है कि इसको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है यानी उच्चारण करना है, और उच्चारण करने के बाद में यहां कौन से साउंड आ रहा है उस साउंड के बेस पे आर्टिकल का यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो ए यूज करेंगे, वोवल का आ रहा है तो एन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल को देखें, अब एप्पल, एप्पल को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो देखो एप्पल, ये एप्पल है, तो एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर आ रहा है ए, और ए क्या एक वोवल है, और तो फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, वोवल का, तो आर्टिकल क्या यूज कर देंगे, एन। और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, अब इसको भी आप लिख के देख लें ऑरेंज, अब इसमें भी फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, ओ, और ओ क्या एक वोवल है, तो आर्टिकल क्या लगा देंगे, एन। यदि यहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड आता तो क्या लगा देते, ए लगा देते। इस प्रकार से इसको करना होता है। अब आगे देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, जैसे एन एप्पल दिया इसमें, एप्पल, एप्पल में ए, ए क्या एक वोवल है, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। फिर नेक्स्ट जैसे एन आवर, वही है एच साइलेंट होता है इसमें, इसको हावर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, आवर प्रोनाउंस करेंगे, और जब आवर प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें ये एच क्या है, साइलेंट है, यानी ये लिखने में तो आएगा लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा यानी चुप रहेगा। तो यहां पे फिर इसको उच्चारण करें तो आवर, आवर में फर्स्ट लेटर क्या रहा, आ, आ क्या एक वोवल, तो आर्टिकल ए। अब आगे जैसे एम में, इसको भी समझेंगे हम, लिख के समझें, जैसे एम में ये आया है एम ए। अब जैसा कि हमने अभी इसको स्पष्ट कर दिया था कि फर्स्ट लेटर चाहे वोवल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें प्रोनंसिएशन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे आर्टिकल का यूज करना होता है। फर्स्ट लेटर चाहे वोवल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए, कोई मतलब नहीं है इससे। प्रोनंसिएशन के आधार पे कि फर्स्ट लेटर का उच्चारण यानी उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए लगा दे, और वोवल का है साउंड तो एन लगा दे। अब जैसे एम में, अब वैसे तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से तो ये आना चाहिए, लेकिन हमें इस फर्स्ट लेटर से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सोनेंट आए चाहे वाउल आए। अब एम ए में कैसे लिखेंगे, जैसे प्रोनाउंस करने पर एम ए, अब एम क्या है, अब एम के अंदर फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या एक वाउल है, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, इस प्रकार से करना है। जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे इसमें आया है एमबीबीएस, एम बी बी एस, और वही फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, एम, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस है, तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या एक वोवल है, तो आर्टिकल यूज करें, एन। तो ये अब्रवेशन है, संक्षिप्त रूप है, इनको लिख के आप और फिर उस बेस पे फर्स्ट लेटर का साउंड निकालना है, तो प्रोनंसिएशन के आधार पे इनका यूज किया जाता है। अब आगे जैसे ये हो गया मैं, अब जैसे एग, एग में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, ए, ए क्या है, वोवल है, तो आर्टिकल हो गया, एन। फिर जैसे अब ये एच आई आर, अब इसमें भी एच क्या है, साइलेंट है, इसको एयर बोलेंगे, एयर, अब एयर में ए, तो ए वोवल है तो ए आ गया। फिर जैसे एमबीबीएस अभी हमने देखा, लिख के उसी प्रकार से करना है। अब जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में फर्स्ट लेटर किसका रहा, ए, एलिफेंट होता है तो ए, ए क्या एक वोवल है, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। फिर अगला जैसे ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल इसमें भी क्या है, एच, ये एच क्या है,
साइलेंट है यानी चुप है। जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एच चुप रहेगा यानी इसकी आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ पे एच साइलेंट तो ये हो जाएगा ऑनरेबल। ऑनरेबल में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या रहा है, ओ का साउंड आ रहा है और ओ क्या एक वाउल है तो आर्टिकल लगाएंगे एन। फिर देखें नेक्स्ट और है एम एस सी, एम एस सी जिसको बोलते हैं, तो यहां पे एम एस सी में वही एम तो ए एम, तो फर्स्ट लेटर क्या रहा है ए, ए क्या एक वाउल है तो आर्टिकल लगा दिया एन। तो इस प्रकार से यूज करना है। अब एक नॉट दिया हुआ है यहां पे और वो नॉट क्या दिया हुआ है वो पढ़ेंगे नॉट कि ए एंड एन आर वीक फॉर्म ऑफ वन, कि ए मींस ए एंड और एन मींस एन, आर मींस है वीक फॉर्म ऑफ वन, कि जो ए और एन है वो वन यानी एक का वीक फॉर्म है। यानी इसका कहने का मतलब समझने का ये है कि जो ए और एन है इन दोनों का प्रयोग ही एक के अर्थ में होता है, यानी ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, यानी ए और एन दोनों का प्रयोग एक के अर्थ में किया जाता है यानी दोनों का मतलब एक होता है। तो दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, के दीज मींस ये, आर यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, यानी दीज मींस इनका, आर यूज्ड मींस प्रयोग किया जाता है, बिफोर मींस पहले, काउंटेबल मींस गण्य, सिंगुलर मींस एक वचन, नाउन्स मींस संज्ञाओं से। यानी इसका यानी ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी ए और एन का प्रयोग एक वचन गण्य संज्ञाओं से पहले किया जाता है, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता उनसे पहले क्या यूज करें और जो एक वचन हो उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। फिर आगे देखेंगे दीज आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स, के दीज मींस इनका, आर नॉट यूज यानी प्रयोग नहीं किया जाता है, बिफोर मींस पहले, अनकाउंटेबल यानी अगण्य यानी जिनको गिना नहीं जा सकता है, एंड और प्लूरल यानी बहुवचन, नाउन्स मींस संज्ञाओं से। यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है इनका जो यूज है वो अगण्य और बहुवचन संज्ञाओं से पहले नहीं किया जाता है, यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है उसका प्रयोग अनगण्य और बहुवचन जो संज्ञाएं होती है उनसे पहले नहीं किया जाता है। फिर आगे देखेंगे मटेरियल नाउन्स एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन्स आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड देयरफॉर ए एंड एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर देम एक्सेप्ट फॉर दी स्पेसिफिक सिचुएशन। तो यहां पे देखेंगे जो मटेरियल नाउन है एंड और अबस्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है यानी जो मटेरियल नाउन और जो अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वो आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जो जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जिनका यूज कंसिडर किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में, एंड देयरफॉर इसलिए ए एंड एन यानी ए और एन कैन नॉट बी यूज यानी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बिफोर मींस पहले, देम मींस उनके, एक्सेप्ट यानी सिवाय, फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशन यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अलावा इनका यानी ए और एन का प्रयोग इनसे पहले नहीं किया जा सकता, यानी मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां होती है जिनमें इनका यूज किया जाता है, यानी नॉर्मली तो नहीं किया जाता, यानी जो मटेरियल नाउन और जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे पहले जो ए और एन है उनका यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, अगण्य होता है, इनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां होती है जिनमें इनका यूज किया जाता है। तो ये एक नॉट है जो ध्यान रखने की चीज है। अब आगे देखेंगे यूज ऑफ एन। अब एन का यूज इसमें ए एन का यूज दिया और यानी ए और एन दोनों का यूज दिया, तो यहां पे एन ऑब्लिक एन दिया है, तो यानी ए और एन दोनों का यूज यहां पे कंबाइन दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है, और कुछ पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि ए और एन का यूज किन किन कंडीशंस में किया जाता है।
तो यहां पे इन फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ए और एन है उनका यूज किन किन कंडीशंस में किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि बिफोर मीन्स पहले, द काउंटेबल यानी गण्य, एंड सिंगुलर नाउन्स यानी एकवचन संज्ञाओं से, यानी गण्य और एकवचन संज्ञाओं से पहले, विच आर यूज्ड यानी जिनका प्रयोग किया जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनका पहली बार प्रयोग किया जाता है और जो कि काउंटेबल यानी गण्य यानी जिनको गिना जा सकता हो और एकवचन संज्ञाएं हो, उनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है। अब ए का यूज वही होगा कि फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए, और वाउल का है तो एन का यूज करें। तो जैसे फर्स्ट है आई हैव ए बुक, तो मेरे पास एक किताब है, तो बुक क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है यानी बुक्स को गिन सकते हैं अपन, और सिंगुलर है एकवचन है, तो उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा। अब इसको प्रोनंसिएशन करेंगे यानी इसका प्रोनंस करने पर यानी उच्चारण करने पर जो साउंड आएगा उस बेस पे आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा। अब जैसे कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आर्टिकल यूज करें ए, और वाउल साउंड आने पर एन यूज करें। जैसे बुक में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, बुक, तो ब, बैक है एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आने पर ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, सी लिव्स इन ए हट, वह एक झोंपड़ी में रहती है, तो यहाँ पे हट एक नाउन है और यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल भी है हट, तो यहाँ पे उच्चारण करने पर हट में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, और है क्या एक कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले आर्टिकल यूज लग गया ए का। फिर जैसे थर्ड है, ही सा एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन यानी एक बुढ़ा आदमी, तो इसको भी काउंटेबल है, गिन सकते हैं, और सिंगुलर है, और फर्स्ट लेटर का साउंड क्या रहा उच्चारण करने पर ओल्ड, तो ओ क्या एक वाउल है, और वाउल का साउंड आने पर आर्टिकल यूज करेंगे एन, तो यहां पे एन यूज कर दिया गया है। फिर जैसे फोर्थ, फोर्थ मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच, कि जो श्रीमान शर्मा है वो इस मैच के एम्पायर है यानी निर्णायक है, तो यहां पे जो नाउन है वो एम्पायर, एम्पायर सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, गण्य है, इसको गिना जा सकता है, तो उच्चारण करने पर एम्पायर, तो एम ए आ रहा है, एम्पायर में ए आ रहा है, तो ए क्या एक वाउल है, और वाउल साउंड आ रहा है, वाउल साउंड आने पर आर्टिकल एन का यूज करें, तो यहां पे एन का यूज करना है। तो यहां जो फर्स्ट पॉइंट था वो कि ऐसी संज्ञाएं जिनका पहली बार प्रयोग किया जा रहा हो और जो कि काउंटेबल और सिंगुलर नाउन हो तो वहां पे इंडिफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, दूसरा जो पॉइंट है वो है, बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई ए बिजनेस और प्रोफेशन, के बिफोर मीन्स पहले, सच मीन्स इस प्रकार के, सिंगुलर नाउन यानी एकवचन संज्ञा, कॉम्प्लीमेंट विच सिग्निफाई जो कि सिग्निफाई करता यानी उसको सिग्निफाई करता है, उसको बताता है उसके बारे में यानी दर्शाता है, ए बिजनेस एक व्यवसाय और प्रोफेशन यानी पेशे को, यानी ऐसी नाउन यानी ऐसी संज्ञाएं जो किसी भी व्यवसाय या पेशे को सिग्निफाई करता है यानी उसको बारे में बताता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी पेशा धंधा हो, उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए, सी इज ए नर्स, तो नर्स क्या है, नर्स एक क्या है, प्रोफेशन है, एक पेशा है यानी व्यवसाय है, एक, तो यहाँ पे सी इज एन नर्स, तो कोई भी प्रोफेशन हो उसकी जो पहले आर्टिकल जो ए और एन का यूज होता है, बात वही है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन यूज करना है, फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट आए तो ए, वाउल साउंड आए तो एन, तो नर्स में जैसे फर्स्ट लेटर साउंड आ रहा है न, और न क्या है कॉन्सोनेंट, तो आ गया ए। फिर जैसे ही इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या एक प्रोफेशन है, और इंजीनियर में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है ई, और ई क्या एक वाउल है, तो आर्टिकल आ गया एन। फिर अगला जैसे नीरज इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर ही क्या एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर का साउंड ड, और ड क्या एक कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल आ गया ए। और फोर्थ है सी इज एन एक्ट्रेस, वह एक अभिनेत्री है,
तो एक्ट्रेस ये भी प्रोफेशन है। और फर्स्ट लेटर का साउंड क्या रहा है, ए, और ए क्या है, एक वाउल है, तो वाउल आने पर आर्टिकल, फर्स्ट लेटर का वाउल आने पर आर्टिकल यूज करेंगे एन। तो ये कंप्लीट हुआ। तो आज हमने जो यूज ऑफ एन के जो टू पॉइंट्स है, ए और एन के जो टू पॉइंट्स है, वो कंप्लीट किए थे। एंड इट इज एनफ फॉर टूडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द फर्दर पॉइंट्स ऑफ दिस पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।